मुझे एक बात बहुत सुंदर बात याद आ रही है, बड़े ध्यान से सुने। एक बार लक्ष्मी नारायण भगवान क्षीर सागर में विराजते हैं, तो हुआ क्या कि नारायण भगवान क्षीर सागर में थोड़े विलंब से पहुंचे, तो माँ लक्ष्मी जी पूछने लगी, बोले महाराज आप कहाँ जाते हो, कहाँ बार बार चले जाते हो। अरे बोले कुछ नहीं देवी, बस ऐसे ही, कभी कभी हमें भी शांति की आवश्यकता होती है। अरे आपको शांति, मैं आपसे लड़ती थोड़ी हूँ। बोले आप नहीं लड़ती, पर फिर भी हमारे भक्तों की तमाम लीलाएं होती रहती हैं, तो कभी भागदौड़ लगी रहती है, पर फिर भी हमें कभी कभी शांति की आवश्यकता होती है, हमें भी कहीं कुछ अच्छा चाहिए होता है। तो आप शांति के लिए कहाँ जाते हो? भाई दुनिया को शांति चाहिए होती है तो वो आपकी कथा सुनती है, आपका नाम गाती है, आपकी शरण में आती है, आपके मंदिर में आती है। पर जब आप ही को शांति चाहिए तो आप कहाँ जाते हो? बोले दुनिया सत्संग में जाती है, और जब हमें शांति की आवश्यकता पड़ती है तो हम संतों के पास सत्संग में हम भी जाते हैं। आप कहाँ जाते हो? बोले सत्संग में। कहाँ? बोले चित्रकूट। एक बहुत मस्त मलंग फकीर है, एक लंगोटी में रहते हैं बस। ध्यान से सुनना, बहुत गजब की कथा है। इस कथा में एक रहस्य का बड़ा सुंदर उद्घाटन होता है, रहस्य का, एक रहस्य छिपा है इसमें। इस कथा को सुनो बड़े ध्यान से। बोले हम चित्रकूट जाते हैं, वहां पर एक मस्त, एक बहुत सुंदर साधु रहते, त्यागी महात्मा, एकदम फक्कड़, एक फक्कड़ महात्मा रहते, साधु महात्मा, एक लंगोटी में ही मस्त रहते हैं। और जब हमें कुछ आनंद की अनुभूति होती है तो हमें जब चाहिए शांति तो उन्हीं के पास जाकर बैठ जाते हैं। तो लक्ष्मी मैया बोली वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। अकेले अकेले हमें साथ नहीं ले जाते, हमें भी सत्संग में लेके चलना चाहिए ना आपको, भाई पति पत्नी दोनों मिलके सत्संग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। नारायण भगवान बोले देवी एक काम करो, तुम यहीं ठीक हो, ज़्यादा इन संत वंतों के चक्कर में तुम मत आओ, ये हमारे भक्त जो बड़े विचित्र होते हैं, ओ फक्कड़ बाबा है, कुछ चाहिए है नहीं, एक लंगोटी में रहता है, हम जाते सत्संग में हमसे कुछ नहीं कहते, तुम दूर ही रहो। बोले नहीं 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 नहीं, अब देवियां तो देवियां, जिस बात की जिद कर लें तो कर लें। बोले नहीं नहीं हम भी चलेंगे। बोले चलो नहीं मानती हो तो नारायण भगवान लक्ष्मी जी को लेके चित्रकूट में महात्मा जी के पास पहुंचे। महात्मा जी को पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, कोई झोंपड़ी नहीं, कोई अटरम नहीं, कोई सटर, एक लंगोटी और एक ब्रह्म पात्र, बस कुछ नहीं, कोई डंडा नहीं, कोई कुछ नहीं, वृक्ष के नीचे। जैसे ही लक्ष्मी नारायण पहुंचे, नारायण भगवान के साथ में लक्ष्मी जी आई, तो तुरंत बाबा भड़क गए, नारायण ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये माई दाई क्यों ले आए तुम, माता बहनों से हम दूर रहते, दूर रखो दूर रखो। बोले प्रभु ये लक्ष्मी है, पूरा ब्रह्मांड इनकी कृपा कटाक्ष पाना चाहता है, कई तो हमारी कथा इसलिए सुनते हैं जिससे लक्ष्मी उनके घर में आ जाए, हाँ हमारे लिए नहीं सुनते, कई तो इन्हीं के लिए सुनते हैं। अरे अरे जो सुनते होंगे सुनते, उनको कहो दूर रहे, दूर दूर, हम दूर रहते, उनको कहो दूर बैठे, ले आए बिना अनुमति के, तुमको लाना नहीं चाहिए, पर ले आए तो कोई बात नहीं, दूर रखो, दूर बैठा दिया। लक्ष्मी मैया भी बोली, इन्होंने तो कहा ही था कि बाबा फक्कड़ हैं, वो ऐसे ही त्यागी हैं, कुछ भी कह देंगे, तो माँ को बुरा नहीं लगा, माँ को बड़ा ठीक है। तो दूर जहाँ बैठे थे उससे भी दूर एक वृक्ष था, उस वृक्ष के भी थोड़े और पीछे जाके लक्ष्मी मैया बैठ गईं और वहीं से प्रणाम किया, दर्शन करने लगीं। और बाबा का वो त्याग, अचल बाबा ने नहीं एक तरफ एक सेकंड भी देखा लक्ष्मी जी की तरफ, है एक सेकंड भी नहीं देखा, और नारायण के साथ में बैठकर सत्संग सुना रहे नारायण भगवान, एक सेकंड भी नहीं देखा। लक्ष्मी जी बड़ी प्रभावित हुई, ये दुनिया कहती है जय लक्ष्मी माता, ओ मैया जय लक्ष्मी माता, हम पे कृपा करो अब फुल कर दो खाता।
ओम जय लक्ष्मी माता, बैंक पड़े सूने, घर में सुख नहीं हो पाता, बैंगन आलू खाते पनीर रोज रह जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, घर द्वार सब बंद कर दिए, घर द्वार सब बंद कर दिए, छोरा पास नहीं आता, कोरोना बीमारी मैया दिल मेरा घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, गैस सिलेंडर कम पड़ गए, ऑक्सीजन नहीं पाता, हाथ न लगावे डॉक्टर वो भी घबराता, पर नोट ले जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तो ये हमारी अभी अभी फिलहाल की कोरोना आरती थी जो अभी आपने सुनी, कोरोना आरती थी। पर सच ये है कि सत्संग में भी लोग धन पाने के लिए ही तो जाते हैं, पर लक्ष्मी माँ देख रही है, इनको पता चल गया कि मैं लक्ष्मी हूं, बावजूद इसके इन्होंने एक क्षण भी मुझे नहीं देखा। अब सत्संग सुनती, अब नारायण कभी कभी आते तो संग चले आती, कभी कभी आते तो संग चली आती, रोज सत्संग सुनने लगी, पर बाबा ने एक भी बार देखा नहीं। तो बाबा की त्याग वाली भावना को देखकर मैया के हृदय में श्रद्धा जागृत हो गई। देखो जब त्याग दिखता है तो श्रद्धा जगती है, त्याग का स्वरूप ही है दुनिया में तुम्हारी पूजा करा देना। जब आप त्यागी होते हो तो दुनिया में तुम्हारी पूजा होती है। लक्ष्मी जी भी दीवानी त्याग की है। तो एक दिन नारायण भगवान के पास बैठी थी, सत्संग के बाद गई, और सत्संग में तो अच्छी अच्छी भावना बनती हैं। एक दिन बोली, सुनते हो? बोले हाँ। देखो कितने विरक्त महात्मा हैं, कितने त्यागी महात्मा हैं, मैं सामने बैठी रहती हूँ फिर भी मेरी तरफ देखते तक नहीं है, हैं? एक लंगोटी एक ब्रह्म पात्र में ही रहते हैं। एक काम करो महाराज, इन महात्मा को देख के हमारे मन में इच्छा हो रही है। बोले क्या? बोले हमारे मन में एक इच्छा हो रही है कि इनको बैकुंठ में बुलाया जाए और ये वहाँ के प्रसाद पामे, इनकी रसोई वहीं बने, इनको भोजन हम बनामें अपने हाथ से जिमा में, बड़ा अच्छा लगेगा। नारायण भगवान बोले, देवी एक बात बताएं? बोले हाँ। बोले महात्माओं से जितनी दूर रहोगी उतनी अच्छी रहोगी, ज़्यादा पास भटकने की कोशिश मत करो। बोले क्यों? साधु जोगी अग्नि जल, हैं? साधु जोगी अग्नि जल और इनकी उल्टी रीत, परशुराम बच के रहो थोरी की जय प्रीत। अग्नि से ज्यादा खिलवाड़ और ज्यादा पास नहीं जाना चाहिए, जल में भी ज्यादा स्विमिंग वूमिंग ज्यादा नहीं। हमारे ब्रज में तो यहां तक कहते जब डूबेगो तैरा के डूबेगो कहते ना। और ये महात्मा और जोगी मतलब सेवा करो दूर से, ज्यादा सराउंडिंग में आ गए पता नहीं कब किस कैसे मूड फिर जाए और दे दें साहब। ये महात्माओं की तो देवी सत्संग में जाती हूँ बहुत है, ज्यादा भोजन पर नो तो मत दो। और देवी के आगे तुम्हारी चली ना हमारी, तो वह भगवान विष्णु की कहाँ चलती। लक्ष्मी जी बोली, देखो महात्माओं के आने से स्वर्ग भी पवित्र हो जाएगा, आप समझते नहीं हो। नारायण भगवान बोले, चलो तुम्हारी जैसी इच्छा। तो नारायण भगवान ने महात्मा जी के पास पहुँचे चित्रकूट, और महात्मा जी से निवेदन किया, महाराज बुरा न मानो तो एक बात कहें। अरे बुरा मानने वाली क्या बात है, आप कहो। बोले ये देवी जी चाहती हैं कुछ, देवियों की बात मत करो, देवी माँ माँ बहन बेटियों से दूर रहो। अरे बोले महाराज, अब हम तो देखो पति हैं ना इनके, हमें तो इनकी बात आप तक पहुँचानी पड़ेगी। बोले चलो ठीक है, इसीलिए कहते थे अकेले आया करो, संग मत लाया करो, पर तुम आप भी नहीं माने, चलो बताओ क्या। बोले महाराज ये यूँ चाहती हैं कि तुम इनके बैकुंठ में पधारो,
ये तुम्हारी तुम्हारे वो स्वागत करेंगे, तुम्हें भोजन अपने हाथ से बनाए के पवाएंगी। तो उनकी फीलिंग है, उनकी भावना है, श्रद्धा उमड़ रही है आप में। तो नारायण भगवान से महात्मा बोले, हमें बैकुंठ बैकुंठ कहीं नहीं जाना, हम तो यहीं रह के भजन करेंगे। अरे महाराज, कोई प्रार्थना करे तो स्वीकार करना चाहिए, हमें तो निवेदन ही कर सकते हैं आपसे। अरे बोले, पर हम जाएंगे कैसे भाई, हमने तो सुना है बैकुंठ में मर के ही जाया जाता है, तो तुम इसका मतलब तुम हमें मानना चाह रहे हो, फिर खिलाओगे वहाँ? अरे वहाँ चले भी जाएंगे तो भजन नहीं कर पाएंगे, अभी मरने हमें थोड़ी मरने, अभी तो हमें भजन करने, तो अभी यहीं रहने, भजन करने, फिर चलने, फिर मरने। नारायण भगवान बोले, जब लक्ष्मी जी चाह रही हैं कि आप उनके हाथ की रसोई ग्रहण करें, तो वहाँ में मनो नहीं पड़े, हम गरुण को भेज देंगे, वो रसोई तैयार होने पर आपको ले जाएंगे और फिर इतना ही छोड़ देंगे, भजन करो को कोई बात नहीं। बोल ठीक है, जब आप कह रहे हो तो ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया निमंत्रण है जी, निमंत्रण एक्सेप्ट कर लिया बाबा जी ने, महात्मा जी ने। अब वहाँ मैया बड़ी प्रसन्न बैकुंठ में, मैया ने बड़ा चकाचक व्यवस्था की अपने हाथ से, खूब चकाचक हलुआ पूड़ी बनाए, रोटी सब्जी चावल भात कढ़ी बनाए, सब ना माँ चाहे तो क्या नहीं बन जाए, पर माँ ने अपने हाथों से बनाए, लक्ष्मी माता ने सब चकाचक कर दिया। तो कावो साधु जी महात्मा जी त्यागी जी पहुँच गए, और जब त्यागी महात्मा जी पहुँचे, बाबा पहुँचे, तो सुंदर आसन बैकुंठ में बैठा बिछाया, बाबा माँ बैठ गए और सुंदर पात्रों में व्यवस्था होने लगी, और बाबा के पहले चरण प्रक्षालन लक्ष्मी माता के साथ नारायण भगवान ने किए। लक्ष्मी माता थोड़ी डिस्टेंस पे खड़ी रही और नारायण भगवान ने उनका चरण प्रक्षालन किया, और चरण प्रक्षालन करके सुंदर आसन पर बैठाला, और जब प्रसाद लगा झट बाबा भड़क गए प्रसाद को देख के। क्यों? बोले कच्ची रसोई भी है। आपको याद हो बचपन की, तो जब कहीं भोजन करने जाते थे तो कच्ची रसोई नहीं बनती थी, चावल रोटी ये सब कच्ची मानी गई और पूड़ी इत्यादि पक्की मानी गई। तो जो वैसे लोग होते हैं वो हर किसी के यहाँ कच्चा भोजन नहीं करते, पक्का भोजन कर लेते, पक्का मान लेते ऐसा, लेकिन कच्ची रोटी वो नहीं करते। अब देखो लक्ष्मी मैया बनावे और बाबा स्वर्ग में जाके बैकुंठ में जाके भड़क गए, ए हमने मना किया था हम नहीं जाएंगे, तुम्हारे निमंत्रण पे हम आए और तुम हमको कच्ची रसोई खिला रहे हो। बाबा स्वर्ग में भड़क गए लक्ष्मी मैया के हाथों। लक्ष्मी मैया ने हाथों से बेचारे ने रोटी कैसी कैसी बनाई होंगी बेचारे ने, मैं तो सोच सोच के मुझे आनंद आ रहा है, बड़े अजीब सा लग रहा है, मैया लक्ष्मी बना रही अपने हाथों से रोटी। बाबा के आगे पहुंची और बाबा उन्हें देख के भड़क गए, ये क्या हम कच्ची रसोई खाएंगे, या तो हम गृहस्थियों के इसलिए जाते नहीं है। महात्मा बोले, हम गृहस्थियों के जाते ही नहीं, जाते हैं तो फल खा के आ जाते हैं, फल खाओ और चले आओ, लेकिन जब फल खा के चले आओ तो हम फल खा के जब चले आते तो हम रसोई वसोई में भोजन भोजन नहीं करते, और तुम हमें यहाँ कच्ची रसोई खिला रहे हो, हम नहीं खाएंगे। सुनो बड़े प्यार से, अब मैया से नहीं रहा गया। मैया बोली, कमाल करते हो, मंदिर में या घर में या यहाँ या वहाँ ये जो भोजन हमें भोग लगाते हो, किसका भोग लगाते हो तुम लोग, हमारा ही भोग लगाते हो ना, हमारी झूठन खा सकते हो। लक्ष्मीनारायण को भोग लगता है कि नहीं, राधा कृष्ण को भोग लगता है कि नहीं, राम सीता मैया को भोग लगता है कि नहीं? भोजन करने से पहले हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं कि नहीं? अब रसोई कच्ची हो या पक्की कोई सोचता है, जो कुछ हम कर रहे वो आप भी पाओ। तो अब तो मैया बोली, अरे कमाल करते हो, हमें भोग लगा के हमारी झूठन खाते हो तब कोई बात नहीं, लेकिन अब कह रहे हो कि ये कच्ची रसोई है, अब हम तुम्हें साफ देते हैं। लक्ष्मी मैया आ गए आक्रोध, साफ देती हूं मैं तुम्हें, तुम कभी भी रोटी पे रोटी धर के नहीं खा पाओगे। रोटी पे रोटी, हम लोग गृहस्थी क्या करते हैं, रोटी पे रोटी रख के खाते हैं ना, मतलब दो, कभी किसी के आगे दो रोटी आती हैं, कभी चार आती हैं, कभी पांच आती हैं, दो तो आती हैं पहली बार थाली में, तो एक के ऊपर एक हो गई कि नहीं होगी? साधु महात्मा
साफ देती हूँ तुम कभी रोटी पे रोटी, तुमने रोटी का अन्न का अपमान किया, मेरी भावना का अपमान किया, तुम रोटी पे रोटी रख के कभी नहीं खाओगे। जट महात्मा जी हंसने लगे, बोले आनंद आ गया, आपने तो अच्छा किया, बहुत अच्छा किया जो हमको ये साफ दे दिया कि हम रोटी पे रोटी धर के नहीं खाएंगे। अरे रोटी पे रोटी धर खाएंगे तो बाबा जी क्यों बनेंगे हम? हम बाबा जी इसलिए थोड़ी बने कि हम जो है रोटी पे रोटी धर के खाएं कि शाही पनीर के सब चटकारे उड़ाएं और महाराज चकाचक हैं। जितना मोटा भोजन होगा उतना ही बैरागी मन होगा, और जितने स्वादों में जिभ्या चली जाएगी उतना ही मन चंचल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। मैं बात कह रहा हूं, बोले हमें कोई जरूरी भी नहीं, आवश्यक भी नहीं, अच्छा ही किया आपने, साफ नहीं है तो वरदान है, पर हम तुमने घर बुला के हमारा सम्मान ये किया, तुमने हमें घर में इसलिए बुलाया कि हमको साफ दोगी तो हम भी तुम्हें साफ देंगे, हमारा साफ है तुम्हें, तुम्हें भी साबर कुल में जन्म लेना पड़ेगा। ऐसा मानते हैं लक्ष्मी जी ही एक अंश से सबरी बनकर आई, सबरी ही जो जो लक्ष्मी माँ है एक अंश से सबरी बनकर आई। महात्मा जी बोले तुम्हें सबर कुल में जन्म लेना पड़ेगा, हमारा साप है, हम तुम्हें साप देते हैं। और हाँ, जिन संतों का तिरस्कार तुम आज कर रही हो, आज संत का तुमने अपराध किया, साप दिया है, उन्हीं संत की सेवा तुमको करनी पड़ेगी। और जब उन संतों की सेवा करोगी, उनके आश्रमों में बुहारू लगाओगी, उनके आश्रमों की सेवा करोगी, तब उसके बाद तुम्हें राम की प्राप्ति होगी, हमारा साप है। और इसीलिए राम जी जब गए थे वन में, तो राम जी की आयु क्या है, राम जी की आयु ज्यादा 22 वर्ष के थे जब वनवास हो गया था, और अगर 14 वर्ष और भी लगा लें तो 30-32 साल के होंगे, 33 के होंगे जब, 34 के होंगे जब सबरी माँ से मिले थे। और राम जी की प्रतीक्षा सबरी माँ ने 10,000 वर्ष तक की थी, दीक्षा के बाद, गुरु मंत्र के बाद 10,000 वर्ष तक तो राम जी की प्रतीक्षा की थी सबरी माँ ने। इतना ही नहीं, उससे भी बड़ी आयु थी, तो बताइए वो इतनी बड़ी थी आयु में, पर राम जी जब संबोधन कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, भामिनी बाता मानव एक भगति कर नाता, भामिनी बाता है भामिनी, तुम मेरी बात सुनो, मानव एक भगति कर नाता। तो ऐसे साधु महात्मा की कृपा से ही, संतों की कृपा से ही लक्ष्मी माँ सबरी बनकर आई, और सबरी ने भी जब सेवा करी संतों की तब जाके भगवत प्राप्ति हुई, राम की प्राप्ति हुई, बोलो राधे राधे। तो संतों की सेवा के बगैर यह संभव ही नहीं है, संतों की सेवा के बगैर भगवत प्राप्ति हो जाए यह असंभव है, बोलो राधे राधे। तो जो सत्संग भगवान भोलेनाथ करते हैं, जो सत्संग स्वयं लक्ष्मी नारायण करते हैं, वही सत्संग अगर हमें भी प्राप्त हो जाए तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात होती है, बड़े सौभाग्य की बात होती है, बोलो राधे राधे।